19 अप्रैल को शुरू हुआ लोकसभा चुनाव आज अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज आखिरी चरण का मतदान जारी है। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो जाएगा। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर एक बार फिर निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बिहार में भी 8 सीटों पर मतदान हो रही है। ऐसे में तेजस्वी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक बार फिर निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वो मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। हम कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान करें तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दे। मीडिया का काम क्या है? ध्यान में बाधा डालेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी घुसा कर खूब तस्वीरें खिंचवाएंगे और खूब प्रमोशन करवाएंगे। चुनाव आयोग के दखल देने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि अब चुनाव आयोग से क्या उम्मीद की जाए, हमने तो छोड़ ही दिया है। चुनाव आयोग को कुछ करना तो है नहीं, चाहे कितना भी गला फट जाए, कितना भी कुछ हो जाए, चुनाव आयोग तो पीएम मोदी के खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं सकता, इसलिए बोलने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पिछली बार केदारनाथ गए थे, पता नहीं कैमरा वहां क्या कर रहा था। अरे दिखाना क्यों है, दिखावटी बनावटी काम मत कीजिए। मोदी जी देश की जनता सब समझती है। इसके साथ ही उन्होंने अंतिम चरण में मतदाताओं से मतदान की अपील की। डीबी लाइव की रिपोर्ट।